नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो शिक्षक डायरी के संबंध में है। साथियों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षक डायरी का वितरण होना शुरू हो गया है। अगर आपके यहाँ तक अभी शिक्षक डायरी नहीं पहुँची है तो आज की वीडियो में आप देखेंगे शिक्षक डायरी में क्या दिया गया है, कितने पेज हैं, क्या क्या एंट्री करनी है और इसमें किस पेज पर क्या दिया गया है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं शिक्षक डायरी में क्या क्या दिया गया है। साथियों, शिक्षक डायरी का ये मुख्य पृष्ठ है, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा। नीचे लिखा है शिक्षक का नाम, कार्यरत विद्यालय, विद्यालय यूडाइस कोड। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है और विद्यालय का यूडाइस कोड भी लिखना होगा। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, शिक्षक डायरी लिखा हुआ है इस तरीके से। फिर आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। साथियों, शिक्षक डायरी काफ़ी रोचक बनाई गई है और इसमें कलरफुल मटेरियल दिया गया है। शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीच। इसको आप आगे देखेंगे डायरी को तो इस तरह का एक पेज आएगा इसमें, जहां पर आपको अपना नाम, अपना पदनाम, अपना फोटो, मानव संपदा का अपना कोड, स्थायी पता, उसके बाद स्थानीय पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यवसायिक शिक्षा का विवरण, कुल कार्य अनुभव वर्ष व माह में, यानी कि आपको कितने दिन इस डिपार्टमेंट में हो गए हैं। इसके बाद आता है वर्तमान विद्यालय में पद स्थापन की तिथि, यानी कि आप जिस विद्यालय में वर्तमान में हैं उसमें आप किस डेट में आए हैं। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम, विकास खंड, जनपद, अपना ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, रुचि, हॉबी और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष मोबाइल नंबर। तो इस पेज पर आपको अपने विषय में इतनी जानकारी देनी है। इसके बाद इसमें शिक्षकों से अपील की गई है, आप भली भांति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु हम सब मिलकर प्रयत्नशील हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में अनेक प्रशासनिक सुधार लागू करने के साथ ही आपके शिक्षण कार्य को सरल, सहज और रुचिकर बनाने और आपके व्यावसायिक विकास की दृष्टि से 3 शिक्षक हस्तपुस्तिकाएँ यथा आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं। इसी अनुक्रम में कक्षा शिक्षण को सुनभावी बनाने की दृष्टि से आपको शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई गई है। आप प्रतिदिन बच्चों के साथ कार्य करते हैं, ये कार्य यदि योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं तो उसकी प्रभाविकता और बढ़ जाती है। उसे सुव्यवस्थित ढंग से करने और आगे के कार्य को सुनियोजित करने में शिक्षक डायरी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः यह शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए स्वयं की मार्गदर्शिका है, जिसमें आप अपने शिक्षण कार्य की योजना साप्ताहिक तौर पर बनाते हैं और संपादित कार्यों का विवरण भी दर्ज करते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत शिक्षक डायरी में पर्याप्त संख्या में शिक्षण योजनाओं के रिक्त प्रारूप दिए गए हैं, जिसमें अपनी सुविधानुसार आप शिक्षण योजना बना सकते हैं। इससे साप्ताहिक तौर पर जहां एक ओर आप प्रभावी शिक्षण योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने शिक्षण कार्य का स्वयं मूल्यांकन करते हुए अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी अग्रसर होंगे। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालय में आनंद व रुचि के साथ सीखेंगे, जो बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षक डायरी का रचनात्मक व प्रभावी उपयोग करते हुए
अपने शिक्षण प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। सफल शिक्षक का है ये लक्षण, सुनियोजित है कक्षा शिक्षण। शुभकामनाओं के साथ, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो साथियों, ये लिखा है इसमें जो हम सभी टीचर से अपील करी गई है। इसके बाद इसमें प्रेरणा तालिका दी गई है, कक्षा एक गणित और कक्षा तीन गणित के विषय में। बच्चों का हो सतत आकलन, प्रेरणा तालिका में हो संकलन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे प्रेरणा लक्ष्य भी इसके अंदर दिए गए हैं। कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु SCERT, यूनिसेफ एवं विशेष गए हैं। छात्रों का ग्रेडवार मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी के माध्यम से निम्नवत किया जाएगा। भाषा का दिया गया है, कक्षा एक में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही सही पहचान लेते हैं। कक्षा दो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा तीन अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा चार छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा पाँच बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा पाँच के लक्ष्य हुआ भाषा का। इसमें भाषा के पांचों कक्षाओं के लक्ष्य दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं गणित के। कक्षा एक में दिया गया है निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही सही पहचान लेते हैं। कक्षा दो जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा तीन जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा चार गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा पाँच भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो साथियों, उसमें प्रेरणा लक्ष्य भी दिए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षण योजना एक दृष्टि। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो शिक्षण योजना है आपकी, उसको लिखना है। जैसा भी आपको यहाँ पर उसका ब्यौरा देना होगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले कोलम के अंदर है महा, फिर आता है सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ, संख्या व नाम, शिक्षण कार्य करने अनुमानित कालांशों की संख्या, फिर आता है शिक्षक के हस्ताक्षर और उसके बाद प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। जैसे कि आपको अप्रैल माह है, अप्रैल माह का पहला हफ्ता है, पहला सप्ताह है, कक्षा पाँच है आपकी, तो उसमें आप कक्षा पाँच लिखेंगे। विषय मान लीजिए गणित है तो गणित लिख देंगे। तो इसमें जो आपका पाठ है, जो आपको अभ्यास कराना है, उसके बारे में आपको लिखना है कि अभ्यास एक और अभ्यास का नाम लिख देंगे। आपको कितना लगता है कि ये जो हमारा अभ्यास है इसको पूरा कराने में हमें कितने कालांश की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा अनुमानित कालांशों की संख्या में। यानी कि आपको अपना प्रत्येक पाठ का, आपको प्रत्येक विषय का ब्यौरा यहाँ पर देना होगा कि आपको किस पाठ में कितने कालांश की ज़रूरत होगी, वो आपको यहाँ पर ब्यौरा देना होगा। ये प्रत्येक विषय में करना है। तो साथियों, इसके लिए इसके अंदर 23 पेज दिए गए हैं। जो आप शिक्षण योजना एक दृष्टि में बनाएंगे, प्लान करेंगे अपना, इसके लिए इसके अंदर 23 पेज दिए गए हैं। तो 23 पेज के बाद साथियों आप देखेंगे शिक्षण योजना। इसके बाद आता है इसमें शिक्षक डायरी का उद्देश्य। सोचिए कितना अच्छा हो यदि आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करें, पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल हो, सभी अपने कार्य संतुष्ट हों, बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर हों, सीखने सिखाने का वातावरण रुचिपूर्ण और आनंददायक हो। शिक्षक डायरी का उद्देश्य दिया गया है योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण में, इसके बाद आता है समीक्षा करने में, सपोर्टिव सुपरविजन में। तो यहाँ पर चार दिए गए हैं इसके अंदर जो शिक्षक डायरी के उद्देश्य हैं। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं बताता हूँ। शिक्षक योजना बनाने में दिया गया है शिक्षक डायरी का प्रयोग शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाने के लिए करेंगे। इसमें शिक्षक साप्ताहिक तौर पर चयनित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष गतिविधियों तथा इसमें प्रयोग की जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्रियों के बारे में लिखेंगे ताकि वे व्यवस्थित तरीके से इन पर कार्य कर सके। फिर आता है दस्तावेजीकरण में। शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के साथ साथ उनकी समीक्षा संबंधी बिंदु तथा SRG ARP की टिप्पणियाँ भी लिखी जाएंगी। इस प्रकार
यह डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी कार्य करेगा, जिसका उपयोग अभी तक की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने, भविष्य की योजना तथा क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के तौर पर किया जा सकता है। अब आता है समीक्षा करने में। प्रगतिशील शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं और अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर विचार करते हैं, फिर ये उसे अपनी डायरी में दर्ज भी करते हैं। ये टिप्पणियाँ उन्हें आगे की शिक्षण अधिगम योजनाओं को बनाने में मदद करती हैं। इस प्रकार एक शिक्षक स्वयं की योजना व इसके क्रियान्वयन का स्वयं आकलन करेंगे तथा इससे संबंधित बिंदुओं को डायरी में नोट भी करेंगे। नंबर 4 पर आता है सपोर्टिव सुपरविजन में। यह डायरी सपोर्टिव सुपरविजन में SRG ARP की मदद भी करेगा। एक SRG ARP विद्यालय भ्रमण के दौरान अपने मुख्य अवलोकन बिंदुओं को इस डायरी में दर्ज करेंगे, ताकि उस आधार पर संबंधित शिक्षक अपनी भविष्य की योजना को बेहतर बना सके व प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सके। तो साथियों, इसके बाद इसमें आता है विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड वास्तव में है विद्यालय का दर्पण। यहाँ पर विद्यालय का यूडाइस कोड होगा, प्रधान अध्यापक का नाम लिखेंगे, विकास खंड, उसके बाद जनपद। साथियों, इसमें रेटिंग के विषय में भी दिया गया है। कुल मिलाकर 100 अंक होते हैं इसमें। अगर आप 0 से 35 तक आते हैं तो आपको रेड मिलेगा, रेड स्टार। 35 से 50 तक येल्लो, और 50 से 75 तक ये नारंगी दिया गया है। 75 से 90 तक ब्लू स्टार, और 90-100 तक है ग्रीन स्टार। तो इसके बाद इसमें आता है शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। इसमें बताया गया है कि आपको शिक्षण योजना का निर्माण किस प्रकार से करना है। पहले एक तालिका बनाई जाएगी जिसमें महा, कक्षा, विषय और समय अवधि होगी। महा में आप अपनी डेट डाल देंगे, कक्षा हो जाएगी विषय और की समय अवधि। इसमें फिर पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम, जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है। फिर आता है प्रकरण, पाठ इकाई का नाम, यानी कि जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो। आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों TLM का विवरण करेंगे यहाँ पर। फिर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि गतिविधि। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर शिक्षण के प्रारंभ में, जो 5 से 10 मिनट का होता है। इसके बाद शिक्षण के दौरान, इसका समय होता है 20 से 30 मिनट तक। इसके बाद आता है इसमें शिक्षण की समाप्ति पर समेकन, ये होता है 5 से 10 मिनट के बीच। तो साथियों, ये इसके कुछ पॉइंट होते हैं जो शिक्षण योजना के। फिर इसके बाद आपको आकलन के तरीके भी दिए गए हैं इसके अंदर, और आपको गृह जो कार्य देना है असाइनमेंट, उसका विवरण भी इसमें बताया गया है। तो इस तरह से शिक्षण योजना के विषय में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इसके बाद आता है शिक्षण योजना का उदाहरण नंबर 1। यहाँ पर आपको गणित विषय कक्षा 4 का शिक्षण योजना बनाकर दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। साथियों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण पेज है इसके अंदर, वो हमारा शिक्षण योजना का पेज है, जहाँ पर आपको अपनी शिक्षण योजना लिखनी होगी। साथियों, इसके अंदर शिक्षण योजना हेतु 162 पेज है। इसने काफ़ी हमें पूरे वर्ष के दौरान, 162 पेज काफ़ी होते हैं। इसमें कक्षा है, फिर विषय है, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर आपको कार्य करना है। फिर अगले इसमें जो अगला कॉलम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य के बारे में भी इसके अंदर आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वय आकलन, यानी कि जब आप पाठ पढ़ा देंगे, अपना कालांश ले लेंगे, उसके बाद आपको शिक्षक का स्वय आकलन भी लिखना होगा। आप नीचे देख सकते हैं, इसमें लिखा है लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ मुख्य शब्दों में लिखें, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना आदि। शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वय आकलन में आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में टिप्पणी लिखेंगे, जैसे योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई, केवल अमुक अंश हो पाया, शेष अगले दिन या सप्ताह में करेंगे, इस तरीके से समूह कार्य करने को जोड़ देंगे आदि। तो मतलब आपको क्रियान्वयन के पश्चात अपना आकलन भी यहाँ पर करना है। तो साथियों, इसके लिए आपको इसके अंदर 162 पेज मिलेंगे। इसके बाद आता है सपोर्टिव सुपरवाइजर द्वारा
पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु। साथियों, इसके अंदर जो ये पेज हैं कुल मिलाकर 20 पेज हैं जो आपका निरीक्षण करने आएंगे, ARP हों, SRG हों या आपके BE हों या डाइट से कोई व्यक्ति आए, तो ये उनके लिए पेज हैं जो हमारा इस पर हमारी सभी बातों को नोट करेंगे। जैसे इसमें लिखा है क्रियाशील पुस्तकालय पहला पॉइंट है, खेलकूद की गतिविधियां नंबर 2 है, नंबर 3 है यूनिट असेसमेंट, नंबर 5 पर है PTM SMC की बैठक, इस तरह से दिया गया है। तो ये उनके लिए है पेज जो हमारे विद्यालय का निरीक्षण करने आते हैं, कुल मिलाकर 20 पेज दिए गए हैं। साथियों, इस शिक्षक डायरी में कुल मिलाकर 231 पेज हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि किस पेज पर क्या दिया गया है और आपको किस प्रकार से इसको मेंटेन रखनी है। सबसे बाद में आप देखेंगे क्या करें क्या न करें, इसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि आपको विद्यालय में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर, कुछ मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्यालय में हमें क्या नहीं करना है, जो मुझे ज़रूरी लगते हैं कि आपको पता होने चाहिए। तो साथियों, वो पॉइंट है, इसमें लिखा है शिक्षक विद्यालय संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, MDM संबंधी आवश्यकताओं हेतु एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखें। एक पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किए जाएं। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व या पश्चात ही किए जाएं। विद्यालय में परिषद द्वारा विविध पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और कुंजी गाइड का प्रयोग नहीं करना है। तो साथियों, ये सब दिया गया है शिक्षक डायरी में। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, पर कमेंट करें और अपने अन्य साथियों में भी शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।